भोपाल में दशहरा के बाद मौसम ने करवट ली है। रविवार सुबह आसमान में बादल छाए रहे और दिन के दौरान बारिश हुई, जिससे तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई। शहर में आधे इंच से ज्यादा बारिश हुई है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में दो नए सिस्टम सक्रिय हो गए हैं, जिसके कारण अगले 24 घंटों में राजस्थानी इलाके और आसपास के जिलों में गरजमक के साथ बारिश की संभावना है। आने वाले 3 दिनों में प्रदेश के कई जिलों में हल्की बारिश के आसार हैं। इस दौरान पचमढ़ी में सबसे कम न्यूनतम तापमान 17.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। मैं डॉक्टर दिव्या सुरेंद्र, वैज्ञानिक दिन मौसम केंद्र भोपाल। प्रदेश के मौसम के बारे में देखा गया तो पिछले 24 घंटों में मध्य प्रदेश के कुछ जगहों पर बारिश और थंडरस्टॉर्म दर्ज किया है। वेस्ट एमपी में स्कैटर्ड रेनफॉल हुआ, 16 डिस्ट्रिक्ट से थंडरस्टॉर्म दर्ज किया। सबसे हाईएस्ट रेनफॉल हुआ नीमच में, 76 मिलीमीटर हेवी रेनफॉल है। ईस्ट एमपी में आइसोलेटेड बारिश हुआ, 6 डिस्ट्रिक्ट से थंडरस्टॉर्म रिपोर्ट किया है। सबसे ज़्यादा बारिश छिंदवाड़ा में हुआ, 60.4 मिलीमीटर। तो प्रदेश में सबसे अधिकतम तापमान वेस्ट एमपी में बड़वानी में रिपोर्ट हुआ 33 डिग्री और ईस्ट एमपी में मंडला में 34.5 डिग्री रिपोर्ट हुआ। और दक्षिण पश्चिम मानसून का आज का स्थिति देखा गया तो विड्रोवल हो चुका है अभी मध्य प्रदेश का और कुछ जगहों में, जैसे उत्तरी शिवनी और बालाघाट और नर्मदापुरम का भी कुछ नॉर्दर्न एरिया से साउथ वेस्ट मानसून आज विड्रॉ किया। और आने वाले दिनों में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं पूरा मध्य प्रदेश में साउथ वेस्ट मानसून विड्रॉ होने का संभावना है। अभी के सिस्टम के बारे में देखा गया तो एक मेन एक बेलमार्क लो प्रेशर सिस्टम अभी अरेबियन सी में है, वो अभी आने वाले कुछ खंडों में डिप्रेशन होने का चांसेस है और उसका मूवमेंट नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में जा रही है। यहाँ से एक्चुअली हमारे रीजन में नमी मिल रही है और ड्राई और वेट एयर की इंट्रैक्शन की वजह से अभी देखा गया तो ये साउथ वेस्ट एमपी के उस एरिया में काफ़ी थंडरस्टॉर्म्स सेल्स बन चुका है। तो स्पेशली ये एरिया में आज भी थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी चालू रहेंगे। तो ये स्थितियों के अनुसार हमने अभी फोरकास्ट और सेटर में जारी किया है। तो यहाँ पे देखा गया तो साउथ वेस्ट एमपी में आइसोलेटेड रेनफॉल होने का चांसेस है, साथ साथ थंडरस्टॉर्म का भी चांसेस है। अभी मॉर्निंग में मंदसौर रतलाम उज्जैन ये रीजन में हम आइसोलेटेड हेवी रेनफॉल एक्सपेक्ट कर रहे हैं। बाकी रीजन में आइसोलेटेड रेनफॉल के साथ साथ थंडरस्टॉर्म और गस्टी विंड 30-40 किलोमीटर पर आवर का गस्टी विंड भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और भोपाल गुना राजगढ़ ये रीजन में भी थंडरस्टॉर्म होने का चांसेस है। और ईस्ट एमपी में देखा गया तो साउथ ईस्ट एमपी का छिंदवाड़ा शिवनी बालाघाट मंडला और पांडुना ये रीजन में भी आज थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी रहेंगे। और कल में भी ये स्थिति ऑलमोस्ट कंटिन्यू रहेगा थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी, मेनली साउथ वेस्ट और वेस्ट एमपी के काफ़ी डिस्ट्रिक्ट्स में कल भी थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी रहने का चांसेस है और आइसोलेटेड रेनफॉल भी हम एक्सपेक्ट करेंगे। उसके बाद 15 तारीख को देखा गया तो आइसोलेटेड रेनफॉल का चांसेस है, अभी कुछ मॉर्निंग हमने इशू नहीं करते। ये भी जानकारी मिली है कि बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, हरदा, अलीराजपुर, झाबुआ, धार और इंदौर में बिजली के साथ हल्की आंधी की संभावना है। देवास, बैतूल, रतलाम, नीमच, मंदसौर, नरसिंहपुर, जबलपुर, सिवनी, छिंदवाड़ा और दमोह में भी हल्की बारिश हो सकती है।